तो वीडियो बना ही नहीं है तो बनाए ना, क्या मसला है? साहब, टिकट असफल हो गई। नहीं, वीडियो किट असेंबलिंग करते हुए जो है ना, वो नहीं करनी है सारी वीडियो बनानी है, किट चलती हुई, किट दिखाएं आगे से पीछे से, सोल्डिंग दिखाएं, क्वालिटी दिखाएं, सोल्डिंग क्वालिटी दिखाएं, किट को कैसे डिब्बे में, इसकी नहीं प्रेजेंटेशन कैसी है, डिब्बे में फिट किया है नहीं किया है, दैट विल ऑल काउंट। सका, कल की डेट है, डेट जेब मेरी तरफ 8 की डेट है, लेकिन अगर आप एक्सटेंड करवाना चाहेंगे तो अभी क्लास आएगी पूरी, तो थोड़ा सा शोर मचाएगी, तो मैं यार। एक्सटेंड कर हमजा ने दूंगा। बोला था कि आपने एक्सटेंड कर हाँ बस दी। सही, तो एक्सटेंड कर देता हूँ मैं, तो 1 वीक एक्सटेंड कर देता हूँ। सही है, हमजा से मेरी यही बात हुई थी गालिबन व्हाट्सएप ओके ग्रुप सर, पे, हमजा तो ने कहा 8 जनवरी तक एक्सटेंड हो गई है। कब तक? 8 जनवरी 8 जनवरी ना, तो 8 जनवरी नहीं, 8 जनवरी नहीं, 1 वीक, 1 वीक। सर, उसने तो यही बोला था। सर कैन यू सेंड मी मीटिंग पासवर्ड? ये कौन है भाई, मीटिंग पासवर्ड कब मांगता है? अच्छा, बहरहाल 1 वीक की एक्सटेंशन ले लें आप लोग, और आई विल जस्ट इसको, हाँ अच्छा, ये भी तो लोगों ने नहीं करवाया ना, इसको तो सबमिट कराएं, ये तो सबमिट होना चाहिए ना, वो सर डिले वाला तो कर दिया था। आपने किया था, लेकिन आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे 16 16 सबमिटेड हैं, यस सर, तो बाकियों से बात कर रहा हूँ ना, आपने कर दिया तो अच्छी बात है, बट मैं दूसरों से बात कर रहा हूँ। ड्यू डेट 8 से 15 चली जाएगी, ठीक है ठीक है, अब 15 हो गई है इसकी। अच्छा, अब दूसरे स्टूडेंट्स जो है आने के मूड में लग नहीं रहे, क्या करें? ठीक है, अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ, आज की लैब करने से पहले हमें जो है वो, मैं वो लैब लेके आ जाऊँ, फिर मैं आपको, लैब 5 लैब 6 है ना, लैब 5 तो मैंने लास्ट टाइम की है। अच्छा तो कहाँ पे थी ये? अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, वालेकुम सलाम। आप देखें ये जो है ना, ये क्या कह रहे हैं भाई, ये जो इनको परेशानी हो रही है, सर जीशान नहीं आ पा रहे, वो बोला वो क्या कह रहे हैं, वो मैक से ज्वाइन करना चाह रहे हैं, पता नहीं कहाँ है। मैक से ज्वाइन करना चाह रहे हैं, मैक का तुम्हें तो सर वो तो सुबह से क्लासेस ले ही रहे थे, नहीं अच्छा, चलें मैं जो है दोबारा तो बता दूँ, पासवर्ड मांग रहे ना वो। पासवर्ड मांग रहे हैं, तो पासवर्ड देखें यहाँ से जो है, कॉपी इनविटेशन, इसी मीटिंग को स्टार्ट किया हुआ मैंने, और सर यहाँ आप भेज दें अपना, मैंने तो भेज दिया वैसे, सर तो आप हो, सर आप होस्ट है ना, आप शेयर कर सकते हैं। क्या शेयर कर सकते हैं? सर आपने कर दी, बस सही है। हो गया, आ गए, यस सर। नहीं सर अभी नहीं आए। हाँ अच्छा स्क्रीन शेयरिंग हो रही है आपके यस सर हो रही है, पास? लैब 5, जी सर हो रही है, ये लैब 5 की थी ना हमने लास्ट टाइम, इसके अंदर कोई सवाल पूछे? ट्यूबलाइट यस सर, के कनेक्शन हमने बहुत ही डिटेल में किए थे, और इसकी मैंने यस आपको सर, वीडियो भी दिखाई थी ट्यूबलाइट की, और मैंने इसकी वर्किंग प्रिंसिपल भी बताया था, और स्टार्टर का फंक्शन भी बताया था, और स्टार्टर ख़राब हो जाए तो ऑन करने का तरीका भी बताया था कि उसका शॉर्ट करते हैं एक लम्हे के लिए, जिसकी वजह से क्या होते हैं, फिलामेंट गर्म होते हैं
और फिलामेंट गर्म होने की वजह से वो जो गैस है बीच में वो आयनाइज हो जाती है और उसके अंदर से रेजिस्टेंस का पाथ कम हो जाता है, यानी रेजिस्टेंस कम हो जाती है उसकी, और फिर वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम शुरू हो जाती है फ्रॉम वन साइड ऑफ द ट्यूबलाइट टू द अदर साइड ऑफ द ट्यूबलाइट। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं उस ग्लास ट्यूब पे जो कोटेड फॉस्फरस की लेयर होती है, तो फॉस्फरस लेयर इलेक्ट्रॉन की स्ट्राइकिंग की वजह से ग्लो करती है। दैट वॉज द मेन प्रिंसिपल ऑफ दिस ट्यूबलाइट। फिर हमने फैन के कनेक्शन बताए थे और फैन की हमने मोटर्स की भी वीडियोस मैंने अपलोड की थी कि व्हाट काइंड ऑफ मोटर इज दिस फैन, और ये इंडक्शन मोटर है और इसके जो स्टार्टिंग मैकेनिज्म है वो कैपेसिटर के साथ है, स्टार्टिंग कॉइल इसके अंदर अलग होती है। मैंने ये भी बताया था कि पानी की मोटर इंडक्शन मोटर होती है, और पानी की मोटर जो होती है वो इंडक्शन मोटर होती है, और थ्री फेज की जो मोटर होती है ना वो ज़्यादा आसान होती है, उसके अंदर एक इनबिल्ड मैकेनिज्म होता है थ्री फेज की वजह से, और थ्री फेज की मैंने शक्ल भी बताई थी आपको कि थ्री फेज के पावर वोल्टेजेस कैसे होते हैं, वोल्टेज की शक्ल क्या होती है। तो उनके अंदर एक 120 डिग्री का फेज का डिफरेंस होता है जिसकी वजह से एक रोटेटिंग फील्ड क्रिएट होती है, और वो रोटेटिंग फील्ड मोटर के अंदर मोटर के रोटर को घुमाती है, और उसका जो रोटर होता है वो स्क्विरल केज होता है और उसके अंदर कोई कनेक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती, जबकि इसके मुकाबले में डीसी मोटर के अंदर, डीसी मोटर के अंदर क्योंकि रोटर के ऊपर कनेक्शन करने की ज़रूरत होती है तो उसको हमें ब्रशेस लगाने पड़ते हैं, कम्यूटेटर्स लगाने पड़ते हैं, और इसकी वजह से वेयर एंड टीयर होती है, और ये बातें हो रही हैं, सही है। तो अब जो है हमने इसके बताया, इसके बाद आयरन कनेक्शंस की भी हमने बात की थी, तो कोई सवाल करें भाई इसके अंदर से, मैं ही बोलता जा रहा हूँ। सर, पार्टीशन आयरन कनेक्शन का एक बार फिर बताना। आयरन कनेक्शन में बायोमेटालिक स्ट्रिप इस्तेमाल होती है, बहुत डिटेल से किया था और इसकी वीडियो भी रिकॉर्ड की थी, उसमें से जाके देख लो, और बाकी आयरन की मैंने वीडियो भी शेयर की थी जिसमें उसने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ था कि वो क्या मैकेनिज्म है, पूरी आपको एक पूरी स्त्री खोल के भी दिखाई थी वीडियो के अंदर, तो वो सारी ओके चीज़ें सर, सर वो वीडियो देख लें। LMS पे है ना सर? एलएमएस पे लिंक होता है, वीडियो जो यस है सर, यूट्यूब की YouTube पे। यूट्यूब पे होती है, तो यस सर, वो सर देख लें। वो देख लें प्लीज़ जो है ना। सही है सर, वो देख। ये देखें सेमेस्टर प्रोजेक्ट इलेक्टिव विषय ऑनलाइन, इलेक्टिव विषय ऑनलाइन लेक्चर पार्ट वन, वीडियो लिंक्स, ये मैंने पूरा वर्ड फाइल जो है ना वर्ड डॉक्यूमेंट शेयर किया हुआ है, और इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की ये सारी वीडियोस हैं, समझ आ रही है? ठीक ओके सर, ओके सर। है, तो ये बात चल रही है। अब अगर आपको कोई सवाल नहीं है तो मैं नेक्स्ट लैब आपको दिखाऊं, और नेक्स्ट लैब मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी हुई है और ओके सर, इसको मैं खोल लेता हूँ, और ये लैब जो है ना कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि ये लैब आप पहले से कर चुके हैं, तो मैं आपको बताता हूँ ये कि लैब है क्या, ये लैब जो है ना ऑलरेडी हुई भी है हमारी, हमने शुरू ही इस लैब से किया था, स्टेयर केस वायरिंग और डोर बेल सर्किट्स। अब देखें स्टेयर केस में हमने बात की थी कि टाइप ऑफ द स्विचेस कौन से होते हैं, SPST होता है, SPDT होता है, तो अगर कोई आपको सवाल हो तो आप बीच बीच में से बोल लीजिएगा। तो स्टेयर केस के अंदर ये टाइप ऑफ द कनेक्शन में अभी वापस इसके ऊपर आता हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये लैब हमने पहले से की हुई है, देखें ये वाले कनेक्शन, इसकी सिमुलेशन भी आपने बनाई है और अपने हाथ से बनाई है आपने, और सबमिट भी करी है फॉर एज एन असाइनमेंट, तो उसकी ड्यू डेट भी कल है, तो इसका मतलब जिन लोगों ने सबमिट नहीं किया दे आर एट वेरी हाई रिस्क ऑफ लूजिंग दिस मार्क्स, दीज मार्क्स, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू सर दिस डेट फॉर दिस टुमारो सर। सर 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 वो हमसे ना, मैंने, क्योंकि मेरे पास LMS है नहीं, क्योंकि हाँ मैं क्या है तो उसके ऊपर LMS है नहीं, तो सर मैंने ना थोड़ा लेट करी है। 12 मतलब 12:30, मतलब 12:06 हो रहे थे, नहीं, तो अभी छः तो मिनट आज की लेट करी तारीख है है ना, ये तो मैंने। आज की, आज की तो आज तो अभी भी ड्यू डेट चल रही है ना, कौन सा दिन है आज, ट्यूसडे है ना, अच्छा यस आज तो सर, 8 है, 8 की डेट चल रही है, तो अच्छा जिन लोगों ने नहीं किया इसको मैं एक दिन एक्सटेंड करता हूँ,
ये वाली डेट की, क्योंकि 16 एक्सटेंशन आ रही है, अब कोई मजीद एक्सटेंशन लेगा नहीं है। तो वो क्योंकि सर रात में कल करी तो वो लेट हो गई थी, रात खैर हो गई थी ना। अच्छा अब में किया था तो। तो इसकी डेट में एक एक तारीख जो है ना, जो जिन लोगों ने नहीं की है उसकी, एक आज की डेट एक्सटेंड कर रहा हूँ और इसको सबमिट करें। और ये लैब भी सुनो आज सर, ये को ओके जी, सर, ये जो जो मेन प्रोजेक्ट है वो तो सर हमने कर लिया था। ये कौन सा प्रोजेक्ट आप कह रहे हैं? ये वाला प्रोजेक्ट है ना, ये जो आपको मेन प्रोजेक्ट यानी किट असेंबलिंग है ना, वो देखें ना एलएमएस पे जरा थोड़ा सा होश में बात कर रहे हैं कि ये देखें, ये पहला असाइनमेंट था हमारा जो शुरू में हमने दिया था, मल्टीसिम पे करना था, और ये आपको वीडियो बनानी है, किट असेंबलिंग की वीडियो लिंक रिक्वायर्ड है, ये है इसका प्रोजेक्ट लिंक। इसकी मैंने एक्सटेंड कर दिया डेट। अच्छा बहरहाल, अच्छा अब ये वाले सरल कनेक्शन आपको, क्योंकि असाइनमेंट भी मैं आपको दे चुका हुआ हूँ और आप लोगों ने कर लिया है, सिमुलेशन भी बना लिया है, तो इसको समझाने की जरूरत नहीं है। सर्किट वाला तो आपने जनवरी को कर दिया था ना? नहीं, एक हफ्ता, बस एक हफ्ता डिले किया है, एक दफ़ा एक्सटेंड किया है। जनवरी तक किसी से, हमजा से कोई बात नहीं हुई है। हमजा से मैंने कहा था जैसे आप रिलैक्स सर फील करें। हमजा, सर हमजा हमजा कहाँ कह है? रहे हैं कि 8 जनवरी तक है। सर हमजा की नहीं तबीयत सर, खराब है, हमजा ने वो वन आ वीक नहीं वन वीक सकता। वो वन वीक वन वीक देखें, 8 आ जाए और 1 वीक और दे दिया है बस। सही है, जनवरी नहीं है, अच्छा, दिसंबर ही है, 1 वीक का एक्सटेंड कर दिया। अब कर लो ना, एक हफ्ता तो आ गया ना बीच में, क्योंकि करने वाला 2 दिन में भी सर कर लेता। हमारे बना बिल्कुल सर, नहीं सर हमारे असाइनमेंट चल रहे थे ना, इस वजह से तो कैलकुलस एक करके हफ्ता एक्सटेंड असाइनमेंट कर था दिया, अब इस वजह कितना से। लोगे, जान लोगे, क्या करोगे? अच्छा नहीं नहीं सर कोई बात नहीं, जान तो लेंगे सर आप। एक ही है भाई, कितने 25 लोग हैं, 27 लोग हैं। अच्छा तो ये 2-way स्विच आपको समझ में आ गया, ये पर मैं पहले से किया हुआ है। सही है, यस ठीक सर, है, इसको जरूर करने के बाद ज़्यादा बातें करने की जरूरत नहीं, इसको पढ़ लीजिएगा। अब डोरबेल सर्किट जो है ना, वो उसके कनेक्शन इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड है, इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा, ये डोरबेल के कनेक्शन है, ये जो है 220 समझ लें इसको, ये डोरबेल समझ लें, ये बीच में बटन होगा तो शॉर्ट हो जाएगा, तो ये एक बड़े कॉम्प्लिकेटेड सी ये जो है लैब है, तो इसको समझ, आप इसको एफर्ट लगा के सीख समझ लीजिएगा। क्या ख्याल है, समझ में आ रहा है? हाँ भाई, बहुत सिंपल से कनेक्शन है भाई, सीरीज कनेक्शन है, इसको कई बार कर चुके हैं ना, ये बहुत ही बच्चों वाली लैब है। तो ये वाली भी लैब तो आज पूरी हो गई हमारी। अब मैंने, क्योंकि और बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं आपके साथ, अच्छा ये थोड़ा सा मैं बता दूँ आपको, फिर मैं दूसरी बातें करता हूँ आपके साथ। तो दूसरी चीज़ें मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग सी जो है ना चीज़ें आज बनाई हुई हैं आपको दिखाने के लिए। आई विल जस्ट शो यू दोज थिंग्स, और मैं आपको इस लैब के अलावा भी बहुत कुछ दे रहा होता हूँ पूरी क्लास के अंदर। तो ये सिंपल स्विच हो गया, ये इसका सिंबल बना हुआ है, ये लैचिंग है, ये लैचिंग टाइप का स्विच है, ये लैच कर जाएगा, ये जैसे हमारा नॉर्मल ट्यूबलाइट का और फैन का स्विच होता है, ये क्या कैसा स्विच है, ये नॉर्मली ओपन स्विच है, ये नॉर्मली कनेक्टेड स्विच है, या नॉर्मली क्लोज है। क्लोज का मतलब है कि ये अगर आप इसको पुश करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ये SPDT है, डुअल थ्रू है, सिंगल पोल है, ये SPDT है, ये भी एक ही चीज़ है, इसको इनेबल, इनेबल के, ये इनेबल के साथ है, छोड़ें इसको, इनेबल का कनेक्शन के हमारा पास रेलिवेंट नहीं है इलेक्ट्रिकल में ये। अच्छा ये SPDT है, अच्छा ये जो है डीप SPST है, SPST क्या होता है, टू सर एक्स एसपीडीटी थोड़ा बताएं। SPDT का मतलब ये होता है कि डुअल थ्रू, ये दो जगह पे कनेक्शन कर सकता है, ये वाला कॉमन पॉइंट पॉइंट है, ये पॉइंट, ये कॉमन पॉइंट है, ये दो जगह पे आपके कनेक्शन मेक कर सकता है, इसको कहते हैं डुअल थ्रू। तो ये हम बोर्ड पे भी जब क्लास कंडक्ट कर रहे थे, कन्वेंशनल क्लास या ऑन साइट क्लास, तो हमने ये वाले सिंबल सारे बोर्ड पे भी बनाए थे, राइट है। ये दो SPST लगे हुए हैं नॉर्मली ओपन, ये दो लगे हुए हैं SPST लेकिन नॉर्मली क्लोज है, ये SPDT है, ये दो लगे हुए हैं SPDT। इसी तरीके से DPDT, इसको ये इसी स्विच को हम DPDP कब कर सकते हैं, दोनों जब एक साथ काम करें, तो ये दोनों जब एक साथ काम करेंगे तो ये ड्वेल पोल, दो पोल हो गए, और ड्वेल थ्रू, हर पोल दो दो जगह पे स्विच कर सकता है। इसी तरीके से ये और स्विच है, अच्छा ये 2X है, दो दो DPDT लगे हुए हैं। अच्छा इस तरह के ये जो स्विच है ना, ये इसको पुश बटन टाइप कह सकते हैं, ये रोटरी स्विच है, ये टॉगल स्विच है, यानी दो जगह पे कनेक्शन दो जगह पे टॉगल कर सकता है, इसका ये जो प्लंजर है ये दो जगह पे जा सकता है, ये स्लाइड स्विच है, दोनों के कनेक्शन डायग्राम बिल्कुल स्लाइड स्विच की दोनों की सेम होगी, बट इसका जो फिजिकल मैकेनिज्म है फॉर स्विचिंग
ये थोड़ा डिफरेंट है, इट इज स्लाइडिंग एंड इट इज टॉगलिंग। तो आप समझ सकते हैं इसको कहते हैं डिप स्विच। इसके अंदर 8 स्विच होते हैं, या 4 भी हो सकते हैं या 2 भी हो सकते हैं। 2 डिप स्विच इसको कॉन्फ़िगरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके ये 8 स्विच जहाँ पे अगर आप टॉगल कर सकते हैं इसको ऑन एंड ऑफ की सूरत में। हर स्विच के 2 कनेक्शन है, ऑन एंड ऑफ, और ये डिप स्विच कहलाता है। कंप्यूटर में आमतौर पर होता था पहले ज़माने में, अब जो है वो बहुत ही ज़्यादा लेवल ऑफ सॉफ्ट कॉन्फ़िगरेशन हो गई है। सो यू डोंट नीड दिस टाइप ऑफ डिप स्विचेस देयर, अदरवाइज पुराने कंप्यूटर में होते थे। और जहाँ भी आपको कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी हो तो इस तरह के डिप स्विचेस से आप इस्तेमाल कर सकते हैं हार्डवेयर में कॉन्फ़िगरेशंस के लिए। ये अगेन डिप स्विच है, ये भी दोनों एक जैसे ही हैं, शक्ल फ़र्क है दोनों की, कलर भी फ़र्क है, अदरवाइज दे आर जस्ट सिमिलर है फ्रॉम फंक्शनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। और ये डायनामाइट प्लंजर है, ये तो हमारे इस्तेमाल में आमतौर पर नहीं होता, हमने कभी देखा नहीं है, मैंने खुद नहीं देखा ये मूवीज़ के अलावा होता। बहरहाल ये स्विच है, मूवीज़ में भी ये स्विच ही होता होगा। और ये जो है काइंड ऑफ इसको डायनामाइट प्लंजर मैंने पहली बार देखा है, इसको इस तरह का सिंबल। एनीवे शक्ल बनी हुई है, ये सिंबल नहीं है, सॉरी। अच्छा तो ये बातें हो गई। अब मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ कि मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर मैं कुछ आपको सिमुलेशन दिखाना चाह रहा हूँ। अभी तक आपके पास कोई सवाल हो तो आप कर लें। स्विम सर, कल जो मैंने किट किट बना के उसके वीडियो सेंड की थी आपको एक बंदे ने किया, सिर्फ एक ही बंदे ने किया है, सर। वो आप ही होंगे फिर। नहीं सर वो सर, अच्छा, मैंने भी करी है, मतलब तो फिर नज़र क्यों नहीं आ रही आपका कि ये इसमें कल जो असाइनमेंट की सबमिशन में, ये देखें सर स्विमसिपल कल की असेंबलिंग, ये देखें सेमेस्टर सर इसमें ये किट सबमिटेड किट वन नहीं है, है सर। नीड्स ग्रेडिंग सर वन सबमिटेड ये वन, कहाँ पे सबमिट किया है? अच्छा नहीं सर, किट नहीं सबमिट करी हमने, दूसरा जो कल का असाइनमेंट था वो प्रोजेक्ट असाइनमेंट पीजी 16 सबमिशन आ रही है, वो चलो प्रोजेक्ट। ठीक है, वो तो मल्टीपल लोगों ने किया हुआ है, लेकिन बाकी लोगों ने जो नहीं किया उसकी आखिरी डेट मैंने कल की दी है, बढ़ा दी है अभी अभी, तो उसको जरूर कर लीजिएगा। सही अच्छा अब मैं आपको जो सॉफ्टवेयर दिखा रहा हूँ ना ओके वो यहाँ पर मौजूद है, जिसको कहते हैं लाइव वायर सॉफ्टवेयर। ये काइंड ऑफ मुझे नहीं पता कि ये फ्री है या इसके कोई पैसे वैसे हैं। वैसे मैंने सर्च करने की कोशिश की, कंप्यूटर पर मिल नहीं रहा था मुझे और पैसे मांग रहा था ये, तो बहरहाल मैंने डाउनलोड तो कर लिया है। सो किसी ना किसी तरीके से, वो आप मेरे से ज़्यादा अच्छे चलते हो डाउनलोडिंग में, बट इवन देन मैंने इसको जो है अपनी गूगल ड्राइव में डाल दिया है, और आप यहाँ से इसको लेकर अपने पास में पार्ट पे इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं अभी आपको चला के दिखा रहा हूँ ये वाला सॉफ्टवेयर। अच्छा ये लाइव वायर का सॉफ्टवेयर मैंने आपको चलाया, ये लाइव वायर के गेटिंग स्टार्टिंग वगैरह सब कुछ आ रहा है, बहुत ही आसान सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर आज मैंने एक सर्किट बनाया है जस्ट टू शो यू द सिमुलेशन ऑफ डीसी मोटर। तो अब ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड से लग रहा है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ से वाला पार्ट डिलीट कर देता हूँ। अभी मैं इसको वापस इनेबल करके अंडू करके ले आऊँगा। तो ये वाला सर्किट बड़ा सिंपल सा है, ये देखें मोटर है, इसके कनेक्शन में आपको बताता हूँ कि ये मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, ये मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। कहाँ गया, मैंने आज एक तस्वीर डाउनलोड की थी, नहीं, डाउनलोड में नहीं जाना है मुझे, तो यहाँ पे जाना है। अच्छा एक मिनट, मैं थोड़ा सा पॉज कर लूँ और मैं इसको निकाल लूँ, चीज इमेज, हाँ ये वाला, चलिए चलो रिवर्स वाला, चलिए तो ये नहीं है, कुछ और है, इमेज डाउनलोड किया था वैसे, हाँ ये वाला सही है। अच्छा अब ये देखें आपको शेयरिंग हो गई है, ये तस्वीर क्या चीज़ नज़र आपको बता रही है कि अगर मोटर हो कोई डीसी मोटर, अब डीसी मोटर की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, अगर आप इसको सीधी सप्लाई दें, एक एक पोलैरिटी में सप्लाई दें तो वो एक डायरेक्शन में चलती है, और अगर इसके कनेक्शन पलट दें तो ये दूसरी डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाती है। सही है, आप लोगों ने एक्सपेरिमेंटेशन की भी होगी, खिलौने की मोटरें निकाली होंगी और उनको उल्टा सीधा चलाया होगा, चलाया है किसी ने डीसी मोटर को? जी सर, मैंने चलाया। अच्छा सही है। आज हमारी क्लास में राव नहीं है क्या, आवाज़ नहीं आ रही है? सर राव है, उनकी दादी की तबीयत खराब है ना, तो
अच्छा है। सही है, चले अल्लाह ताला से अता फरमाए। तो ये हमारे पास अगर मोटर की हाँ आप डायरेक्ट इस पूरी स्विचिंग अरेंजमेंट के बगैर अगर इस पावर सप्लाई को कनेक्ट कर देंगे मोटर से, तो मोटर एक डायरेक्शन में चलेगी, और अगर इस पावर सप्लाई के कनेक्शन पलट देंगे या मोटर के कनेक्शन पलट देंगे तो ये वही वाली बात, एक ही बात हो गई दोनों सूरत में। सिंपल से सिंपल कनेक्शन जो मोटर के हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं कि पावर सप्लाई को सीधा मोटर पर लगा दें, एक प्रायोरिटी में चलानी, एक डायरेक्शन में चला दी है तो एक प्रायोरिटी में लगा दें, दूसरी डायरेक्शन में चलानी है तो दूसरी प्रायोरिटी में लगा दें, कनेक्शन पलट दें। अब क्या होता है कि रिमोट कंट्रोल के अंदर, सॉरी रिमोट कंट्रोल जो गाड़ियाँ हों वो आगे पीछे चलती हैं, उसमें मोटर की डायरेक्शन रिवर्स फॉरवर्ड की जाती है, या इसके अलावा अगर कोई ऐसी डीसी मोटर किसी मशीन में लगी हुई है जिसको आपने फॉरवर्ड रिवर्स चलाना है, तो इसका एक स्विचिंग अरेंजमेंट है जो कि बड़ा एक नॉर्मल सा, एक बड़ा फेमस सा एक अरेंजमेंट है, वो ये है जो आपको भी आपके सामने नजर आ रहा है। क्या किया हुआ है कि दोनों कॉमन पॉइंट्स है, मोटर कनेक्ट कर दी है, और यहाँ पे कुछ सप्लाई जो लगा दी है, यहाँ पे लगा दी है सप्लाई पॉजिटिव, और यहाँ से ये वाली सप्लाई आ गई नेगेटिव, और इसके अंदर दूसरी तरफ क्या किया है कि ये नेगेटिव जो यहाँ पे, ये नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। तो अगर मोटर को चलाना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक को ऊपर रखना पड़ेगा, एक को नीचे रखना पड़ेगा, लेकिन आमतौर पर हमें डीपीडीटी से इसको चलाना होता है कि वो दोनों एक ही साथ चलते हैं। तो इसकी सिमुलेशन मैंने बनाई है तो आपको वो ज़्यादा सिमुलेशन देख के ज़्यादा समझ में आएगा। अब मैं इस सिमुलेशन को, ये वाला सर्किट मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, अभी आपका काम होगा कि आप इस सर्किट को अभी देख के समझें, लेकिन पहले सिमुलेशन देख लें। अभी मोटर चलना शुरू हो गई सिमुलेशन में, लाइव वायर्स की सिमुलेशन है। मल्टी सिम में क्योंकि इस तरह की अरेंजमेंट मिल नहीं रही थी तो मैंने इसको डिस्कार्ड कर दिया मल्टी सिम की सिमुलेशन को, और यहाँ पर लाइव वायर्स की सिमुलेशन जो है काफ़ी ईजी है और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मुदस्सिर हैं क्लास में? अच्छा नो सर, मदसर भी नहीं आया। मुदस्सिर नहीं है। अच्छा मुदस्सिर को मैं कुछ टास्क वगैरह दिए हुए थे वो कनेक्शन करने के उसमें मल्टी सिम में, लेकिन मैं उसको ये बताना चाह रहा था कि ये वाला सॉफ्टवेयर मल्टी सिम में कुछ पार्ट्स मिल नहीं रहे थे, नहीं मिल रहे थे, रिले भी नहीं मिल रही थी काम की, और उसने कुछ मुझे बना के भेजा था, वो फिर मेरे पार्ट पर नहीं चल रहा था, वर्जन का कोई फर्क था। बहरहाल तो ये वाला सर्किट ज़रा ज़्यादा आसान है, इसको आप डाउनलोड कर लें यहाँ से, ये मैंने आपको दे दिया इसका लिंक, लिंक फॉर लाइव वायर, ये मेरे गूगल ड्राइव में पड़ा हुआ है। इसको मैंने ओके यूट्यूब सर, से सर्च किया थैंक था तो मुझे ये किसी की गूगल ड्राइव मिली, उसने शेयर किया तो मैंने अपने गूगल ड्राइव पर रख लिया इसको और आपको, आपके साथ शेयर कर दिया। तो ये अब ये इस स्विच को जो मैंने ऑन कर दिया या टॉगल कर दिया तो वो दूसरी तरफ चला गया और मोटर दूसरी तरफ चलना शुरू हो गई। अब इसके अंदर रुकने का कोई अरेंजमेंट नहीं है, ये एक डायरेक्शन में ज़रूर चलेगी, ऐसा होता नहीं है वैसे मोटर को कभी रुकने की भी ज़रूरत पड़ती है, तो मोटर को रुकना हो तो हम इसको यहाँ पे बड़ा आसान से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मोटर की एडिंग फॉर स्टॉपिंग द कनेक्शन, तो अब क्या करें कि ये वाला स्विच लेकर यहाँ पे लगा दें। अब ये लगा या नहीं लगा, ये तो कनेक्शन नहीं हो सका, इस कनेक्शन को उठाना पड़ेगा। हाँ ये कनेक्शन ब्रेक करना पड़ेगा। अच्छा अब देखें इसका अरेंजमेंट रुकने का भी बन गया, अब अगर ये स्विच ऑन है तो मोटर चल रही है और किस डायरेक्शन चल रही है, और ऑफ करना है तो ये रुक गई, राइट, तो एक डायरेक्शन में चलेगी। अब ये कनेक्शन आपको समझ में आ रहे हैं, करा किया है सिंपल, ये वाले कनेक्शन किए हैं पहले स्विचिंग की मदद से, स्विचिंग की मदद से ये दो कनेक्शन किए हुए हैं, एक पोलैरिटी चेंज की हुई है, मतलब ये कि अगर मेरे पास ये सप्लाई लगी हुई हो सिंपल सी, अच्छा शायद मुझे स्टॉप करना पड़ेगा, वो मैंने डिलीट किया था सर्किट, वो मैं सेव नहीं करूँगा तो वापस आ जाएगा, जब अब वो मैं कुछ दिखाना चाह रहा था उसके अंदर। तो ये सप्लाई आ गई, ये मोटर आ गई, एक कनेक्शन जो स्विचिंग मदद से हो रहे हैं वो ये हो रहे हैं कि क्या करना है, ये मोटर का कनेक्शन कर दिया, ये कनेक्शन एक एक स्विच एक पोजीशन में, स्विच में ये कनेक्शन हुए हैं और दूसरी पोजीशन में ये कनेक्शन हुए हैं,
क्या कनेक्शन हुए हैं के के रोटेट। ओहो, ये तो पूरे कनेक्शन समेत रोटेट कर दिया उसने, छोड़ो। तो इसके कनेक्शन को समझ आ रही बातें, क्या बातें हो रही हैं, या यू आर कंप्लीटली लॉस्ट? सर आ रही है सब। आ रही है, गुड, वेरी गुड यार, बड़े अच्छे बच्चे हो तुम यार, बाकी बहुत जो है ना खुशी हुई बात सुन के। क्योंकि मैं दूसरे भी एक जगह पर फर्स्ट सेमेस्टर को पढ़ा रहा हूँ, वो तो कभी कुछ बोलते ही नहीं है यार, कि समझ आ रही है, इतने मुश्किल बच्चे हैं यार, हालत खराब कर दी है। अच्छा, एनीवे, अब ये देखो, ये दो कनेक्शन मैंने करके दिखाए, और इस यही दो कनेक्शन मैंने स्विच की मदद से भी किए हैं इसके अंदर। तो इस तरह से स्विच ऑन किया, और ये यहाँ से कौन से वाले कनेक्शन बन गए, ये वाले बन गए, ये वाले कनेक्शन। पॉजिटिव कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। कैसे जा रहा है पॉजिटिव, यहाँ से स्विच आया, ये पॉजिटिव ऊपर वाली स्विच की मदद से, ये तार बन गया ना पूरा, ये स्विच की मदद से ऊपर चला गया, और ये नेगेटिव ये स्विच के तरह से गुजर के इधर चला गया। तो ये वाला कनेक्शन टोटल ये वाले कनेक्शन बन गए। लेकिन अगर मैं ऊपर कर दूँ इसको, तो ये नीचे वाले कनेक्शन बन गए। क्योंकि क्या हुआ कि ये वाला कनेक्शन ऊपर वाला पॉजिटिव वाला वो नीचे चला गया, और नेगेटिव वाला यहाँ से ऊपर चला गया, तो ये ऊपर वाले कनेक्शन बन शिव सर ये ड्यूटी चेंज करने से रोटेशन में चेंजिंग आती है। गए। ये जो है ना डीसी मोटर में आती है, एसी मोटर में नहीं आती है। सही सही सर। है। अच्छा, अब जो है ना इसके अंदर अगर आप लोग हंड्रेड, सर ये सिर्फ डीसी मोटर्स में ही आएगी चेंजिंग हाँ, चेंजिंग डीसी, डीसी मोटर में ही कनेक्शन। आएगी, डीसी मोटर सर में ही एसी तो आएगी। किसी भी डायरेक्शन में घुस जाएगी ना, मतलब चल जाएगी हाँ, किसी भी डायरेक्शन में चल जाएगी, घुस जाए। घुस जाएगी। अच्छा, पता नहीं। सॉरी सर। अच्छा चलो, तो अगर वो डीसी मोटर किसी ऐसी जगह पे लगी हुई है जहाँ पे आप इसकी डायरेक्शन को रिवर्स करना चाहते हैं और सिंगल पुश से करना चाहते हैं, तो ये देखें, ये डीपीडीटी स्विच है। ये जो डीपीडीटी स्विच है, ये एक साथ चल रहा है, एक साथ चल रहा है ये। तो जो बच्चों की गाड़ियाँ होती है ना, जिसके अंदर वो बच्चा बैठ के चलाता है उसको, तो उसके अंदर फॉरवर्ड रिवर्स का बटन होता है, और यही चीज़ जो है रिमोट कंट्रोल में भी, जाहिर बातें होती है, लेकिन वो आपको नज़र नहीं आती है, वो आप बटन दबाते हैं रिमोट कंट्रोल पे, लेकिन अंदर से यही अरेंजमेंट हो रही होती है, गाड़ी को आगे चलाने के लिए एक डायरेक्शन, और गाड़ी को दूसरी डायरेक्शन में चलाने के लिए दूसरी डायरेक्शन। सर अगर सही है सर्किट को लॉस तो नहीं देगी अगर हम फेज की जगह न्यूट्रल रख लें, न्यूट्रल की जगह फेज रख लें सर फेज डीसी न्यूट्रल में। नहीं कहलाते, देखें डीसी मोटर में, डीसी के डीसी सप्लाई में ना प्लस माइनस कहलाते हैं, फेज न्यूट्रल नहीं कहलाते। फेज न्यूट्रल जो होते हैं वो होते नहीं हैं सर, एसी जी में। बिल्कुल सर। जी, सर डीसी में सर अगर हम पावर दें तो जो जैसे जैसे कहते हैं उल्टा रख लें, फॉर एग्जांपल जहाँ पे हम दे रहे होते पावर दे रहे होते हैं जी ना, यहाँ पे उल्टी भी दी न्यूट्रल है, दे सीधी रहे भी दी होते है, सर सर्किट को कोई मसला तो नहीं। नहीं, मोटर तो, मोटर को की कोई पोलैरिटी नहीं होती है, मोटर की डायरेक्शन चेंज होती है सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने की वजह से, सप्लाई पोलैरिटी चेंज करने की वजह से सप्लाई की। अच्छा, ये वाले कनेक्शन समझ में आ गए, ये वही वाले कनेक्शन है जो मैंने आपको अभी यहाँ पे दिखाए थे। सही यस सर आ रहे हैं। है। अब ये सिमुलेशन आप बैठ के बनाना चाहेंगे तो आपके 5 मिनट में आपसे भी बन जाएगी, क्योंकि मुझसे भी 5 मिनट में बनी थी, आज ही मैंने जो है ना बहुत अरसे बाद, कोई 10 15 साल 10 साल ये 15 साल बाद ये मैंने लाइव वायरस का सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, दोबारा चलाया है, बिकॉज मल्टी सिम वॉज जस्ट नॉट गिविंग मी द डिजायर्ड रिजल्ट, और हो सकता है डिजायर्ड रिजल्ट तो आ जाए मल्टी सिम में भी, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उसको इतना ज़्यादा एक्सप्लोर करूँ। हाँ, आपके पार्ट पे क्योंकि टाइम का के पास शायद लिमिटेशन इतनी ना हो जितनी मेरे पास पार्ट पर है, तो आप मल्टी सिम को एक्सप्लोर करेंगे तो आप भी ये वाला रिजल्ट मल्टी सिम में भी हासिल कर लेंगे। एंड देयर आर नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर विच आर अवेलेबल, यू कैन जस्ट एक्सपेरिमेंट विथ, और कुछ सारे सॉफ्टवेयर कुछ चीज़ों में अच्छे हैं, कुछ में अच्छे नहीं हैं। अब मल्टी सिम जो है बड़ा हाई फाई किस्म का सॉफ्टवेयर है, तो उसके अंदर आप बहुत फ्लेक्सिबल पैरामीटर्स सेट कर सकते हैं, लेकिन एट दिस लेवल ऑफ कोर्स हमें शायद उन सारे पैरामीटर्स की समझ भी नहीं है, और इन सारे पैरामीटर्स की हमें ज़रूरत भी नहीं है, ना समझ है, तो क्या करें कि हमने ये सादा सॉफ्टवेयर ले लिया और ये चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से हमें करके दे रहा है, मोटर की डायरेक्शन तक ही भी दिखा रहा है घूमता हुआ, तो बिल्कुल फिजिकल लग रहा है कि चीज़ चल रही है।
ऑल दो कि अगर आप इसके वोल्टेज बढ़ाएंगे तो इसकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। अदरवाइज क्या होता है कि डीसी मोटर के अंदर अगर आपने स्पीड कंट्रोल करनी हो तो आप क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज कंट्रोल करते हैं। तो डीसी मोटर्स जो दुनिया में इस्तेमाल होती थी अपने ड्रॉबैक्स के साथ, उसके ड्रॉबैक्स हैं वेयर एंड टेयर, कार्बन ब्रशेस और कम्यूटेटर, ये सारी फ्रिक्शन और वेयर टेयर वाली चीज़ें हैं। तो इसके साथ भी दुनिया में इस्तेमाल होती थी, इसकी रीज़न क्या थी, बिकॉज इट्स स्पीड कंट्रोल वॉज वेरी इजी। What you have to do is just control the power supply voltages and its speed will be correspondingly increasing or decreasing as per the power supply there increasing or decreasing। तो इसके मुकाबले में जब नई मोटर इजाद हुई, इंडक्शन मोटर, तो वो इतनी ज़्यादा क्लिक एक ज़माने तक नहीं कही। वजह ऐसी क्या थी कि उसकी स्पीड कंट्रोल नहीं होती थी, बट विथ द एडवांसमेंट इन द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इसकी स्पीड भी कंट्रोल होना शुरू हो गई। और उसके अंदर मैकेनिज्म ये नहीं होता कि स्पीड कंट्रोल करने के लिए वोल्टेज अप एंड डाउन करें, तो उसके अंदर स्पीड कंट्रोल करने का जो मैकेनिज्म होता है वो ये करना पड़ता है कि हमें फ्रीक्वेंसी चेंज करनी पड़ती है। अब आप ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा, आप नहीं कहेंगे बल्कि मैं ही आपको बता रहा हूँ कि बिकॉज अब यू डोंट नो कि व्हाट इज इनसाइड द डिमर। अब डिमर के अंदर जो है ना फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही होती है। तो अगर आप लेटर एडवांस स्टेज पर जाएं, यानी देन यू व्हेन यू विल जस्ट स्टार्ट द इंटरनल सर्किट ऑफ द डिमर, यू कैन से कि यार डिमर में तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही होती है, और इवन देन उसकी स्पीड तो कंट्रोल होती है मोटर की, फैन की। देखिए फैन की स्पीड कंट्रोल इस तरीके से जो है ना, जैसी मशीन में ज़रूरत होती है वैसी नहीं है। फैन की स्पीड कंट्रोल इज़ वेरी रॉ कंट्रोल, आपको बस फैन चलता हुआ चाहिए स्लो या तेज़। यू डोंट नीड इट टू रन ऑन अ वेरी स्पेसिफिक प्रिसाइज स्पीड, तो बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल नहीं चाहिए होता। अच्छा एक बात, और दूसरी बात यह है कि स्पीड ऑफ द मोटर ऑफ दिस फैन इज ऑल्सो नॉट कॉन्स्टेंट। अगर इसके ऊपर लोड पड़ जाए ना तो स्पीड कम हो जाती है, तो ये अपनी स्पीड मेंटेन नहीं करता है। और अदरवाइज दूसरी सिनेरियो में मोटर्स जहाँ पे फ्रीक्वेंसी कंट्रोल होता है वहाँ पे आपको बहुत प्रिसाइज कंट्रोल चाहिए होता है मोटर का, कि अगर कंडीशंस चेंज भी हो रही हैं तो आपकी मोटर की स्पीड चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ये फैन के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके लोड लोड तो इसमें होता नहीं है आमतौर पर, चेंज भी नहीं करता वो लोड। तो ये दोनों सिनेरियो अलग हैं। वोल्टेज से भी एसी की मोटर, एसी मोटर की स्पीड कंट्रोल होती है, लेकिन दैट इज़ नॉट वेरी प्रिसाइज और बहुत रॉ कंट्रोल होता है वो। फैन में तो चल जाता है, मशीन्स में नहीं चल सकता। अब ये एक थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है तो शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन एनीवे दिस इज द सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, और ये यहाँ पे इसका लिंक पड़ा हुआ है, यहाँ से इसको डाउनलोड करके एक्सपेरिमेंट ज़रूर करें इसकी एक्सपेरिमेंटेशन। अब मैं क्योंकि इसको मैंने डिलीट कर दिया था एक पार्ट सर्किट का, तो मैं इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ और दोबारा से इसको खोल लूँगा। तो ये मैं दोबारा से खोल लिया, तो ये क्योंकि सेव नहीं किया था इसने खुद ही सेव कर लिया। मैं कहता हूँ नहीं सेव करना भाई, तो उसने मेरा अच्छा खासा सर्किट का पार्ट अगर उड़ा दिया होगा जो मैंने बड़ी मेहनत कर से बनाया था, तो फिर वो मैं नहीं दिखा सकूँ। अच्छा चलो आ गया, जो मेरा शक था वो नहीं, उसका अल्लाह का शुक्र है। अब मैंने इसके साथ क्या अरेंजमेंट की हुई है, इसके साथ मैंने ये अरेंजमेंट की हुई है कि यहाँ पे तो ये एक जो सर्किट है इस्तेमाल हो रहा है, ये जो स्विच इस्तेमाल हो रहा है ये टॉगल टाइप स्विच है, लेकिन और यहाँ पे मैंने अभी आपको यहाँ पे स्विच भी लगा के दिया था ऑन ऑफ का, वो तो गायब हो गया क्योंकि मैंने वो सर्किट डिस्कार्ड कर दिया ना, सेव नहीं किया। आप लगा सकते हैं मेरा। अच्छा अब इसके अंदर क्या खास बात है कि इसके अंदर जो यहाँ पे ये जो बटन इस्तेमाल हो रहे हैं ये सिंपल पुश इस्तेमाल हो रहा है। एक पुश इस्तेमाल होगा मोटर एक तरफ चलना शुरू हो गई, और दूसरा पुश इस्तेमाल हुआ और मोटर दूसरी डायरेक्शन में चलना शुरू हो गई। अब यहाँ पे देखें, ये वाला जो पुश है ये पुश रहता नहीं है स्विच, ये सिर्फ एक मोमेंटरी स्विच है। मोमेंट पुश स्विच हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं वर्ड जहाँ पे कनेक्शन सिर्फ मोमेंटरी होते हैं। मोमेंटरी का मतलब ये होता है कि सिर्फ उस मोमेंट में जब तक आपने इसको प्रेस करके रखा हुआ है उस वक्त तक तो ये प्रेस रहते हैं, और बाद में जो ये बिल्कुल लूज वो हो जाते हैं। तो ये देखें, अब दोबारा प्रेस करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, मोटर पहले से चलना शुरू हो गई भी है और बस चल रही है। अगर आपने सिर्फ डायरेक्शन रिवर्स करनी है तो बस इसको रिवर्स कर दें। अब इसके अंदर मैंने जो है ब्रेक स्विच नहीं लगाया हुआ, अदरवाइज इट कैन बी ऑल्सो कॉन्फिगर्ड। तो इसके अंदर हम मोटर स्टॉप का भी स्विच लगा सकते हैं। तो इस स्विच का नाम जो देंगे ना हम, इसको हम कहते हैं लेट्स से के फॉरवर्ड मोशन,
इसको हम नाम दे देते हैं फॉरवर्ड मोशन। तो ये तो फॉरवर्ड हो गया और ये हो गया रिवर्स, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता था। तो अब इसके अंदर स्टॉप बटन कोई नहीं है, ये अगर जैसे ही सिमुलेशन स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं ये मोटर चलना ही शुरू हो जाती है, इसका स्टॉप का कोई फंक्शन नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे एक स्विच उठा के यहाँ पे ये वाला स्विच लिया है ये वाला स्विच यहाँ पे लाके इसको यहाँ पे पीछे से कनेक्ट किया जा सकता है। कहाँ गया? नहीं हो रहा भाई, इधर से नहीं हो रहा था, ऐसे नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा भाई। तो इसको जो है तरीके से करना पड़ेगा। अस्सलामुअलैकुम सर जी। वालेकुम सलाम, कहाँ थे बच्चा? तुम्हारे बगैर मज़ा ही नहीं आ रहा था। एनीवे वेलकम। अभी मोटर जो है वो क्योंकि स्टॉप कंडीशन में इसलिए चल नहीं रही है, ये अब ये एक डायरेक्शन में, ये दूसरी डायरेक्शन में, और ये हो गया स्टॉप। तो इसको नाम दे सकते हैं हम स्टॉप का। ये स्टॉप का नाम आ गया इसका, ये स्टॉप स्विच हो गया। अब बताओ क्या करना है, समझ आ रही है? अब ये जो है आप लाइव वायर डाउनलोड करें यहाँ से, ये लाइव वायर यहाँ से डाउनलोड करें, और ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये जो मैंने सिमुलेशन बनाई है ये भी मैं आपको दे देता हूँ, इसको सेव करके और मैं यहाँ पे इसको अपलोड कर देता हूँ। सर ये आपने जो रिले लगाई है सर, हम कोई सी भी लगा सकते हैं ना? देखो सर्किट थोड़ा सा वहीं देखो, मैं अभी अभी आपको दे रहा हूँ, फिर आप इसको समझो कि रिले का कनेक्शन क्या की हुई है। बल्कि मुझे समझानी पड़ेगी, अगर वो होता ना मदद से तो वो खुद समझ जाता है। उसको मैंने काफ़ी काम करवाया था इस वाली चीज़ों में, बहरहाल आप अच्छा, लोग भी क्योंकि समझ जाएंगे। रिले सर रिले दरअसल ना मुश्किल हो जाती है ढूंढना। वो मल्टी सिम में मुश्किल हो रही थी, इसमें बहुत आसान है। चलें सर।